सुन एंडी, मैं तेरी सैलरी 25 गुना कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैं ही मिला के मजाक करने को। लेकिन ऐसा होता है। सुनो, कहानी के प्रोटैगनिस्ट है मिस्टर आनंद सुब्रमण्यम, जो एक कंपनी में 15 लाख की नौकरी करते थे। 2013 में उन्हें एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हायर करता है एज अ चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर टू चित्रा रामकृष्ण, जो समय एनएससी की सीईओ थी। 2015 में इन्हें बना दिया जाता है एनएससी का जीओओ, अबे रोहन, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, और पैकेज कर दिया जाता है 1.68 करोड़ और अगले ही साल उसे फिर बढ़ा दिया जाता है 2.421 करोड़। ये तो था कहानी का बोरिंग पार्ट। कहानी शुरू होती है अब। आज मार्केट में जो ज्यादातर ट्रेडिंग है वो ह्यूमन नहीं बल्कि कंप्यूटर करते हैं। ये जो माइक्रो सेकंड्स में ट्रेडिंग होती है इसे बोला जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो अगर आपके पास मार्केट का डेटा बाकी लोगों से कुछ माइक्रो सेकंड्स पहले आ जाए तो सोचो आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे। ऐसा ही कुछ हो रहा था एनएससी के कोलोकेशन स्कैम में। 2015 में सेबी और सुचेता दलाल के पास एक ब्राउन एनवेलप आता है जिसमें एक मिस्टीरियस पर्सन केन फोंग ने इस पूरे स्कैम की पोल खोल दी। इन्वेस्टिगेशन में कई सारी कंपनीज और लोगों का नाम आया, इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ चित्रा एंड आनंद सुब्रमण्यम। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो इस इन्वेस्टिगेशन में आया वो था एक हिमालयन बाबा का, जो अपेरेंटली अपने साइकिक पावर से हिमालय में बैठे बैठे चित्रा को मेल करते थे और बताते थे उसे क्या करना है। कोई भी एजेंसी इनकी कंफर्म्ड आइडेंटिटी पता नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है कौन थे हिमालयन बाबा? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं।